हेलो बच्चों, मैं इस वीडियो में एक और गिफ्ट बॉक्स लेके आई हूँ मदर्स डे के लिए। ये देखो, मैंने ये बॉक्स लिया है खाली। और अब मेरे पास, क्योंकि ये पूरा रेड हो रखा है, इसमें मुझे ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे जो प्रिंट है ये हटाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्लेन रेड कलर कर दूंगी और इसमें भी एक्रेलिक कलर को ऐसे रेड कर दूंगी ताकि ये प्रिंट हट जाए इस तरीके से। और अब यहाँ पर मैं ब्लैक कर रही हूँ ताकि ये जो डिज़ाइन है ये छुप जाए इसका प्रिंट, और ये मुझे प्लेन मिल जाए। और जब ये सूख जाएगा फिर हम इसके लिए डिज़ाइनिंग जो हमने की है वो हम इसमें पेस्ट करेंगे। अब मैं ये पेपर को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर ये हार्ट शेप इस तरीके से ड्रॉ करके इसको ऐसे कट कर लूँगी। रेड शीट से मैंने ये कट कर लिया एक और हार्ट, और अब मैं ये थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का हार्ट इस तरीके से ही कट कर रही हूँ। ये मैंने एक येलो कलर का सर्कल कट कर लिया है, और ये स्मॉल स्मॉल हार्ट कट कर लिए हैं दो, और ये सर्कल का हाफ कट कर लिया, यानी कि सेमी सर्कल मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। अब ये बॉक्स का पेंट भी सूख गया है देखो, और अब मैंने जो सर्कल कट किया था वो इस सर्कल के ऊपर इस तरीके से पेस्ट करूंगी। और जो मैंने स्मॉल हार्ट पेस्ट कट किए थे वो मैं फेविकोल लगा के यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। इस तरीके से मैंने स्माइली बना दी है, और अब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। अब मैंने ब्रश में गोल्डन कलर लिया है, मैं यहाँ पर ट्री इस तरीके से बनाऊंगी। पहले मैंने ये स्ट्रेट लाइन खींची है और इस तरीके से मैं उसकी ब्रांचेस बनाऊंगी। अब ये फर्स्ट टाइम में लाइट होगा, उसके बाद एक बार और आपको इसको डार्क करने के लिए एक बार और ब्रश करना पड़ेगा उस पर। ये बहुत सिंपल है बनाना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और अब हम यहाँ पे आई लव यू मॉम भी लिख सकते हैं, खाली आई लव यू भी लिख सकते हैं, अगर हम जिसके लिए भी बना रहे हैं हम वही उसका नाम लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ये सैम्पल दिखा रही हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ब्रश की हेल्प से करो आप। ब्रश अगर आपको नहीं चलाना आता है तो आप एयरबड की हेल्प से भी कर सकते हो इस तरीके का डिज़ाइन, या स्टिकर भी कट करके पेस्ट कर सकते हो। ये मैंने स्मॉल पीस लिया है बेबी पिंक कलर का पेपर का, और इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, और इसमें मैंने हार्ड ड्रॉ किया है, और इसको मैं अब इस तरीके से कट कर दूंगी कि एक ही बार में मुझे दो से तीन हार्ड मिल जाए। ये मैंने हार्ड कट कर लिए हैं, और इनको मैं यहाँ पर इस तरीके से फेविकॉल लगा करके पेस्ट करूंगी। ये मैंने बीच बीच में कहीं कहीं पर फेविकोल लगा दिया है। ये मैं इस तरीके से हार्ड पेस्ट कर रही हूँ। मैंने ये हार्ड इस तरीके से पेस्ट कर दिए हैं, ये ट्री बन गया है। और ये जो मैंने रेड कलर का हार्ड कट किया था और ये पिंक, उसमें मैं इस तरीके से बीच सेंटर में फेविकोल लगाऊंगी और उसको इस तरीके से ऐसे पेस्ट कर दूंगी। और इसको भी अब मैं यहाँ पे 3D की तरह यहीं पे फेविकोल लगा के इस तरीके से पेस्ट करूंगी। ये देखो, ये फेविकोल लगा दिया है मैंने, और इसको यहाँ पे बीच सेंटर में मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। अब ये मैंने जो इस तरीके से हार्ड कट किया था, और मैंने ये टूथपिक ली है, इसको मैं बड़ी सावधानी से आपको ऐसे डालना है, फिर वापस दूसरी साइड से इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। ये मैं इस तरीके से ये भी तैयार करूंगी। ये देखो, इसको इस तरीके से डालना है, ध्यान रखना है आपके फिंगर पे ना लगे। और ये दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से हम इस तरीके से वापस निकाल लेंगे
और ये इस तरीके से ये तैयार हो गया। इस तरीके से मैंने एक और तैयार कर लिया है। इनमें आप अपनी मम्मा के लिए अपनी फीलिंग्स लिख सकते हो, अच्छे अच्छे थॉट लिख सकते हो इस तरीके से। कुछ भी थॉट, कुछ भी फीलिंग जो आपकी है अपनी मम्मा के लिए, वो आप इसमें लिख सकते हैं। इन सब में ये हार्ट भी पेस्ट हो गया है। और अब मैं बीच में ये ग्रीन कलर का लगाऊंगी फेविकोल लगा करके, और उसके बीच में मैंने ये वाइट कलर का लगाया है। और अब हम इसको सूखने का इंतजार करेंगे इस तरीके से। तब तक हम यहाँ पर हमें गिफ्ट के लिए क्या रखना है वो हम लगा लेते हैं सामान इस तरीके से। आप कोई भी थॉट लिखिए और इस तरीके से आप इसको इस तरीके से रख दीजिए। यहाँ पर अपनी मम्मा के लिए कोई गिफ्ट या चॉकलेट या बिस्किट्स कुछ भी रख सकते हो इस तरीके से। और जब ये सूख जाएगा तो हम इसको हल्का हल्का ऐसे उठाएंगे। अब ये यहाँ पर जो प्लेन हिस्सा लग रहा था, यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर से डिजाइन कर दूंगी थोड़ा सा। आप चाहो तो मैंने फ्लावर, पुरानी वीडियो में आपको फ्लावर बनाना सिखाया है, वो फ्लावर बना के आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट बनाना सिखा रही हूँ डिजाइन, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर से इस तरीके से डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ। जैसा मैंने यहाँ बनाया है सेम इसी साइड में ऐसा बनाऊंगी। अब मैं नीचे भी इस तरीके से फेविक्रिल कलर की हेल्प से डिजाइन बनाऊंगी। ये मैंने इसके सेंटर पे गोल्डन कलर का हार्ट कट करके पेस्ट कर दिया है। और अब इसको मैं इस तरीके से धीरे धीरे उठाऊंगी ऊपर को, ये इस तरीके से उठाना है आपको हल्का हल्का। और ये इस तरीके की ग्लिटर शीट आती है, इसको मैंने कट करके इसके साइज का ही और ऐसे यहाँ पर इसके बेस में लगा दिया है। और इसके ऊपर अब मैं इस तरीके से ये रख दूंगी। यहाँ पर आपको कोई भी थॉट लिखना है वो लिखिए और इस तरीके से आप लगा दीजिए अपनी मम्मा के लिए। और इस तरीके से आप इसको अपनी मम्मा को गिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।